सो गाइस मार्च में हमें देखने को मिलने वाला है एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच कमाल के दो T20 मैचेस, और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मैचेस के बारे में सब कुछ डिटेल देने वाला हूं, मतलब जो भी कुछ मुझे पता है इस सीरीज के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों मैचेस के बारे में अनाउंस किया है एंड बांग्लादेश में ही हमें ये दोनों मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें मैच के डिटेल्स के बारे में तो पहला मैच हमें देखने को मिलेगा 18 मार्च को बांग्लादेश के ढाका स्टेडियम में, वहीं पर दूसरा मैच हमें देखने को मिलेगा 21 मार्च को बांग्लादेश के ही ढाका स्टेडियम में। मतलब दोनों मैच हमें बांग्लादेश के ढाका स्टेडियम में ही देखने को मिलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं ये दोनों जो मैचेस है वो T20 मैचेस होने वाले हैं, मतलब 20-20 ओवर के मैचेस होने वाले हैं। सो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा इन दोनों मैचेस को देखना। एंड मैं आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से 5 प्लेयर जाने वाले हैं एशिया 11 के लिए। एशिया 11 में एशिया की जो कंट्रीज है उसमें से कुछ प्लेयर लिए जाएंगे, जिसमें से 5 प्लेयर इंडिया के होने वाले हैं। एंड आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान इसमें खेलने वाला है, तो अभी के हिसाब से पाकिस्तान नहीं खेलने वाला है, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से इसमें पाकिस्तान नहीं खेलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड 11 में एशिया की बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ से प्लेयर्स आने वाले हैं, लाइक केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, तो बहुत ही कमाल का ये दोनों मैचेस होने वाले हैं। एंड पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों टीमों में से किसी का भी पूरा स्क्वाड कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो 5 प्लेयर जाने वाले हैं उसमें से 4 प्लेयर ऑलरेडी BCCI ने कंफर्म कर दिया है, और वो होने वाले हैं विराट कोहली, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। तो ये 4 प्लेयर्स के नाम अभी सामने आए हैं। एक और प्लेयर इसमें सेलेक्ट होगा, रोहित शर्मा तो शायद नहीं होंगे बिकॉज वो इंजर्ड है। तो देखते हैं पांचवा प्लेयर हमें कौन देखने को मिलेगा। अगर धोनी देखने को मिल गए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। बट देखते हैं हमें पांचवा प्लेयर कौन देखने को मिलता है, और जैसे ही अनाउंस होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा अभी ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान एक ही टीम में खेलेगा ऐसा मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी कोई इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और मोस्ट जो प्रोबेबली जो चांसेस है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। उसके अलावा बांग्लादेश के कुछ प्लेयर, श्रीलंका के प्लेयर और अफगानिस्तान के प्लेयर हमें इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। एंड वर्ल्ड 11 से मेरे हिसाब से तो केन विलियमसन उस टीम की कैप्टनशिप करेंगे। उसके अलावा स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, बैरिस्टो, बेन स्टोक्स, आंद्रे रसेल जैसे प्लेयर हमें खेलते हुए वहाँ पे दिख सकते हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। जैसे ही दोनों टीमों का स्क्वाड कंफर्म होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था जो मैंने आपको बताया। आप कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप ये दोनों मैचेस के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। एंड बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जाइए ताकि हम जैसे अगली बड़ी वाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना है, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।